हेलो गाइस, क्या आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। सिर्फ मज़े के लिए किसी के व्हाट्सएप को क्रैश कर देना कितनी बुरी बात है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा पाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी भी एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि ब्राज़ील में व्हाट्सएप क्रैश का मामला सामने आया है, वो भी बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अगर आप जाएंगे कभी प्ले स्टोर पर तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जिसमें आप व्हाट्सएप बॉम्ब जैसे उसके एप्लीकेशन के नाम होती है, जिसमें आप अपना मैसेज टाइप करते हो और उसको 1000 गुना 100 गुना बढ़ा देते हो, मैसेज का साइज़ बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा हाय, अब वो हाय लिखने में 2 सेकेंड लगते हैं, लेकिन उसी हाय को अगर आपको 10,000 बार लिखना है तो आपको कितना समय लग जाएगा। यही काम वो एप्लीकेशन करती है। और आजकल ऐसे एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हैं जो कि कुछ अजीबोगरीब फॉन्ट में उस मैसेज को क्रिएट करती है, बना देती हैं। तो ब्राज़ील में ऐसा ही हुआ है, कुछ लोग ऐसे ऐसे मैसेजेस बना के भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसको व्हाट्सएप प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और वो क्रैश हो जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है, व्हाट्सएप तो क्रैश हो गया तो हम दोबारा इसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक बार व्हाट्सएप क्रैश हो गया तो जब उसको आप व्हाट्सएप को क्लोज़ कर दोगे, रिसेंट मेमोरी से हटा दोगे, फिर स्टार्ट करोगे तो फिर एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। उसका एक ही तरीका बनता है कि उसे अनइंस्टॉल कर दिया जाए और दोबारा से इंस्टॉल कर लिया जाए, लेकिन इसमें आपका चैट वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसा सामने आया है ब्राज़ील में कि व्हाट्सएप में एक फीचर है, व्हाट्सएप वेब इन्फो करके, वो एक ट्रैकर है जो इस बग को ट्रैक किया है। हालांकि ऐसा तो काफ़ी पहले चला आ रहा है, लेकिन आजकल चीज़ें बढ़ गई हैं। तो ये न्यूज़ में अभी सामने निकल के आई है कि ऐसा हो रहा है। तो इसके मद्देनज़र कंपनी अब iOS और Android डिवाइसेस पे इसका अपडेट जारी कर रही है। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करेंगे जितनी सारे नए नए बग्स आते हैं उनको आप फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका भी व्हाट्सएप क्रैश होता है तो एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है इसका व्हाट्सएप क्रैश होने के पीछे। तो कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अगर कुछ उसमें आप टाइप कर दो तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता, पर आप उसको पढ़ भी लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बस यूं ही वो होते हैं बस सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए, जिस वजह से व्हाट्सएप तो है उसको रेंडर नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता, और इतनी ज़्यादा मेजोरिटी में उसको भेजा जा रहा है कि एप्लीकेशन ही क्रैश हो जा रहा है। तो दुनिया चलती रहती है, लोग ऐसे काम करते रहते हैं, वायरस बनते रहते हैं, बग्स बनाते रहते हैं, लोग सिस्टम में कमी ढूंढते रहते हैं लोगों को परेशान करने के लिए। लेकिन कंपनी अपना काम कर रही है, हमें बस करना यह है कि अपना एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से रखना है अपडेट। एंड्रॉयड वाले के लिए प्ले स्टोर है और iOS के लिए ऐप स्टोर। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने ऐप्स को अपडेट रखा कीजिए। मैंने इस पर वीडियो बनाया स्पेशल, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई सवाल हो आपका तो कमेंट में उसे कमेंट कीजिए। किसी खास टॉपिक चाहते हैं वीडियो देखना वो भी कमेंट कीजिए। चैनल अपना है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।